नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूडे विद विप्लव में। अगर आप क्लास 8 में पढ़ाई करते हो तो आपके लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको साइंस से ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो हर साल आते रहते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियोस मिल सके। इस चैनल में आपको क्लास 8 के बहुत सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अभी कुछ वीडियोस के लिंक जो है मैं डाल दिया हूं, ठीक है। लिंक को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, केंद्र द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, गुणसूत्रों में और पुरस में, ठीक है। देखिए, कोशिका का अगर बात करें तो कोशिका के तीन मुख्य घटक होते हैं। पहला हो गया आपका कोशिका झिल्ली, दूसरा हो गया कोशिका द्रव्य, तीसरा हो गया केंद्रक। देखिए, कोशिका का जो सबसे बाहर का आवरण होता है या घेरा होता है, उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, यहां पर प्रश्न है आपका, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में जो दिया गया है, यहां पर कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच, ठीक है, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जिकाई हो गया, राइबोसोम हो गया, हरित लवक हो गया, ये सब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं, ठीक है, विद्युत की सुचालक, जो विद्युत को प्रवाहित करती है, ठीक है, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोना हो गया, ये सब, ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट, ठीक है ना, ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है यहाँ पर, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है, ग्रेफाइट जो है अधातु है, ठीक है, अधातु है जो विद्युत प्रभावित करती है, ठीक है। देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन यहां पर अधातुएं हैं, ठीक है, तो ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत प्रवाहित करती है। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहां पर, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जस्ता है, फास्फोरस है, गंधक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए, धातुएं आघात वर्ध्या होती है, जिसे पीटने या ठोकने पर बिना टूटे वे पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब, ठीक है। यहां पर भी है आपका प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जस्ता, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहां पर, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी है, एल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ऑक्सीजन है, ठीक है। देखिए, ईस्ट का उपयोग जो है अल्कोहल के उत्पादन में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट सवाल है, सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं, जल में या वायु में या मिट्टी में या इनमें से सभी। सूक्ष्म जीव कहां पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी और मिट्टी में भी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रोड या विद्युत उपघटन, अपघटन या विद्युत लेपन। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, मलेरिया परजीव का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार रहेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर, ककरोच, घरेलू मक्खी और तितली।
मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया के परजीवी प्रोटोजोआ है, और मादा एडीज मच्छर होता है, जो मादा एडीज मच्छर डेंगू के बीजाणु का वाहक है। ठीक है, यहां पर मलेरिया का क्वेश्चन है। मलेरिया, मलेरिया जो है मलेरिया परजीवी का वाहक, तो आपको आंसर देना है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल का एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है कि मीटर है, कि न्यूटन मीटर है, कि इनमें से कोई नहीं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सभी के पास यह वीडियो पहुंचना बहुत ही जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट सवाल है, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है निषेचन की, कायांतरण की, रोपण की, मुकुलन। ठीक है, इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कायांतरण। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहां पर करेक्ट होगा, कायांतरण। नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? सात रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, सात रंगों से, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जुताई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जुताई। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करिए। निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। देखिए, बुध एक ग्रह है, ठीक है, बुध जो है एक ग्रह है, शनि भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन सीरियस जो है सूर्य का एक ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, सीरियस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलिए। नेक्स्ट सवाल है, टूटता तारा को कहते हैं, टूटता तारा को कहते हैं क्षुद्र तारा, धूमकेतु, उल्काएं, ध्रुव तारा। टूटता तारा को क्या कहते हैं? उल्काएं कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, उल्काएं। नेक्स्ट है, घर्षण को कम किया जा सकता है, घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से, पाउडर से, इनमें से सभी। देखिए, घर्षण को कम करने के लिए तेल का भी यूज करते हैं, ग्रीस का भी और पाउडर का भी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से और पाउडर से। ठीक है, तीनों सही होंगे तो इनमें से सभी जो ऑप्शन डी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं? देखिए, प्राकृतिक रेशे, रेशे का अगर बात करें तो रेशे जो है ना दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और संश्लेषित। ठीक है, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक का अगर बात करें, जो रेशे प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधे या जानवरों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे सूती हो गया, रेशमी ऊनी। ठीक है, सूती, रेशमी, ऊनी, ये सब जो है प्राकृतिक है। और जो रेशे कृत्रिम तरीकों से प्रयोगशालाओं में बनाए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट या मानव निर्मित कहते हैं। ठीक है, जैसे नायलन हो गया, रेयन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये सब। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऊन। ठीक है, ऊन जो कि भेड़ से होता, भेड़ से आता है। ठीक है, भेड़ बकरी से आता है, ऊंट से आता है। ठीक है, पहाड़ी सांड से आता है, ये सब। ठीक है, प्राकृतिक रेशे जो पौधे या जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं, अप्रिय ध्वनि को कहते हैं शोर संगीत, कर्णपट या शोर प्रदूषण। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि सड़क पर गतिशील कारें, बसें, ट्रकें, ठीक है, आदि का जो हॉर्न होता है ना, बस, कार और ट्रेन, ट्रक, सॉरी, जो सड़क पर गतिशील कार चलता है, बस चलता है, ट्रक चलता है, ठीक है, तो जो हॉर्न होते हैं ना, हॉर्न की ध्वनियां जो है, जो साउंड है, मधुर नहीं होते हैं, मधुर नहीं होते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अप्रिय है। क्या है? अप्रिय। तो अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। क्या कहते हैं? शोर। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में यहां पर दिया हुआ है, शोर। तो ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, शोर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस चैनल में क्लास 8 के बहुत सारे वीडियो जो है पहले से ही अपलोड है। ठीक है, कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, लिंक दे दिया हूं। ठीक है, लिंक को क्लिक करके आप जो है वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे। क्लियर है? और एग्जाम तक ऐसे ही, एग्जाम तक ऐसे ही वीडियोस जो है आपको
मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, आपके पास जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी के पास यह वीडियो पहुंचना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग होता है, आपको याद रखना है रिक्टर पैमाना, ठीक है, रिक्टर पैमाना जो है भूकंप मापने का यंत्र है। नेक्स्ट सवाल है, हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है। हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है, देखिए वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, ये सब होते हैं, ठीक है। तो हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन है, यहाँ पर ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोपेन, तो इनमें से करेक्ट हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, वनोन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग, इनमें सभी, देखिए वनों का नष्ट होना, ठीक है, वनों की कटाई करना, वनों का नष्ट होना जो है वन उन्मूलन कहलाता है। तो यहाँ पर है भवन निर्माण, ठीक है, ये भी जो है भवन निर्माण में भी जो है पेड़ों का उपयोग होता है, सड़क निर्माण में भी लकड़ी का यूज होता है, कागज उद्योग, ठीक है। देखिए सड़क निर्माण, जैसे ही सड़क, जब सड़क बनाया जाता है तो वनों की कटाई की जाती है, ठीक है, वनों को कटाई की जाती है जिसके ऊपर सड़क का निर्माण होता है। फिर कागज उद्योग, इसमें भी जो है पेड़ों का यूज होता है, ठीक है, भवन निर्माण में भी जो है लकड़ियों का यूज होता है। इसके अलावा जो है वनों की कटाई कर साफ करके जो है जंगल साफ करके जो है बड़े बड़े भवन निर्माण किया जा रहा है। तो भवन निर्माण, सड़क निर्माण और कागज उद्योग तीनों जो है वन उन्मूलन का कारण है, तो इनमें सभी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल देखिए, अंतिम सवाल है, कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए जल प्राकृतिक संसाधन है, हवा भी प्राकृतिक है और मिट्टी भी प्राकृतिक है, लेकिन कपड़ा जो है मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था साइंस से 20 वीवीआई एमसीक्यू। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।